दीज गाइज इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की टू फिल्म आर यू नो दिस डॉक्यूमेंट्री एंड जस्ट दे मेक अमेजिंग फूड मैन दे आर एंड दैट इज द वंडरफुल शेफ ओवर हियर अगर आप यहाँ पर आएंगे यू गोना हैव खाना इनके हाथों का बना हुआ एंड यू गोना लव इट फॉर श्योर डेफिनेटली आपको मजा ही आ जाएगा अमेजिंग शेफ अमेजिंग शेफ और यहाँ पर हमारे संजय भैया ही इज द ओनर ऑफ दिस वंडरफुल रेस्टोरेंट ओवर हियर इन्होंने बहुत हमारी हेल्प की है फॉर आर डॉक्यूमेंट्री तो प्लीज अगर आप लोग इफ यू गाइस एवर प्लान ओवर हियर सब कुछ दिखा दिया सब कुछ तब से मैं यही कर रहा हूँ डोंट वरी And I like to come my friends always for here. I think it's the better for in my heart. Yeah, that's very true, man. That's okay, very true. Okay. They are very nice people. I'm telling you, हमें यहाँ पर बहुत problems हो रही थी क्योंकि you know it's not easy ऐसे ना locals के साथ इतना ज़्यादा chill करना. तो these guys helped us a lot, and she makes one of the best foods I've ever had. यहाँ का Goan क्विजीन अगर आपको इफ़ यू वॉन्ट ट्राई तो प्लीज़ कम ओवर योर बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग एंड दे आर ट्राइंग टू हैव अ रेस्टोरेंट अब थोड़ा सा बड़ा सो इट बी गुड एंड इफ़ यू गाइज ड्रॉप बाय तो डोंट फॉरगेट दिस इज़ द प्लेस मैंने दिखाया है प्लीज़ स्क्रीन शॉट ले लेना अगर आप जाओगे एंड देयर इज वंडरफुल सीनरीज ऑल्सो अराउंड पर अगर आते हो तो प्लीज़ कचरा मत फैलाना अभी मुझे एक और लोकेशन पे जाना है पर बीच में एक एक्वेरियम वाला ना देयर इज अ स्पॉट सो देयर इज अ पब्लिक एक्वेरियम एंड आई रियली वांट टू गो क्योंकि मैं बस बचपन में गया था एक बार अपने मम्मी पापा के साथ तो अभी जो लोकेशन है दैट इज 28 मिनट दूर 28 मिनट के बाद एक्वेरियम आएगा फिर उसके बाद एक घंटा और ट्रैवल करना पड़ेगा फिर नेक्स्ट फिल्मिंग वाली लोकेशन आएगी तो हमें तो काफ़ी ट्रैवल करना है बट लेट्स सी लेट्स स्टॉप एट द एक्वेरियम सो फाइनली वी आर हियर आई जस्ट होप इट इज़ ओपनड यार बहुत दूर से आए हैं ये हमारी माई प्राउड टीम आई वुड से माई प्राउड सैड टीम Oksana, how are you feeling? She said something. Okay. nice entry. Marine fish aquarium. This is good. Hey. I see the sharks. Are you tickets wagera kabhi to seen hai? Oh, they have a lot of fonts. Hey. Koi. We see some koi. Hi. Can you see him? Huh? Koi want to go to the aquarium, right? Yeah, what else is there? There's a horror toilet hai. Nahin, we just want the aquarium. See, we don't, why would we want to, you know? आज की कैमरा मैन नुकसान होने वाला है क्योंकि मैं बहुत बकवास करने वाला हूँ हाँ जी वो एक आ रहे हैं थैंक यू सो मच यू गिव नो दिस विल नीड तो दिस आई एम होल्डिंग नो वी नीड दिस या तो दैट्स व्हाई आई एम होल्डिंग टिकट्स हाय उन बच्चों को देखो कितने क्रीपी से हैं वो oh yeah, I like this. I like that. Very nice. So, बहुत अच्छे से maintained. This is a well maintained pond, I would say. Algae growth भी बहुत अच्छे से है. और I'm just waiting for Gaurav to come. ये अभी कम से कम 3 घंटे में मुस्कुराई है क्योंकि her phone is not working. जैसे मैंने बोला. Look at the phone. सिकलेट्स नहीं है तो तिलापिया है दीज आर तिलापियाज
still up here, इसलिए इनकी ज़्यादा इज्जत नहीं कर रहे, पर these albinos, they are glowing. ये albino shark जो आपके aquarium में मिलती है, तो जिनको लगता है वो aquarium में पल्स रखती है. ओह, two radio sliders also are there. Hey, oh, I miss my shelter. तो वो मस्त मेरे पास ही आ रहे हैं. Look at them, they look so cute, no? अच्छा, इनको ये लोग फूड ऐसे ही देते होंगे ना, इनको लगा कि मैं इनको फीड करूँगा. देर आर थ्री ऑफ देम, गुड साइज, गुड साइज. चलो चलो चलो, और फोर. तो यार रेडियस स्लाइडर्स एक्चुअली में बहुत सारे हैं, प्लीज़ अगर आपके पास रेडियस स्लाइडर है उनको वाइल्ड में रिलीज मत करना. या वी गॉट द टिकट्स, यस, बिकॉज दे नीड टू बो ना, 200-300. आई डेंट बुक फॉर हॉरर शो और वो सब ना. ओए, सो दिस इज लायन फिश विद सम ब्रिटल स्टार्स. दिस इज वेरी गुड. हाँ, मैं जब छोटा था तो मेरा सपना था इस फिश को रखना, पर उसके बाद, रुको, लेट मी शो यू माय फेस. मेरा सपना था लिटरली इस फिश को रखना, लायन फिश को, पर असल में इसका कोई भी शिकारी नहीं होता समुद्र में, तो ये इन्वेजिव बन गए. ये क्या करते हैं, ये पूरी पूरी दुनिया के समुद्र में जहाँ भी मिलते हैं इनको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत जहरीली होती है. आप ये देखोगे यहाँ पर, इनके अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ पॉइजन. तो अगर आपने इसको ऐसे ही हाथ से पकड़ा तो इट कैन रियली स्टिंग यू. एक हो रही है मस्त यार, वेरी ब्यूटीफुल, आई लव देम. दे आर नॉट वेरी, मतलब रेयर तो नहीं है ये, क्योंकि ये इन्वेजिव हैं, ये जिस भी समुद्र में जाते हैं वहाँ पे ऐसी की तैसी कर देते हैं. और शिकारी मछली होती है ये, एकदम शिकारी मछली होती है. This is Dory finding Nemo wala, and this is very cute, man. They have a pair, aur inka size bhi, you can see these angels. Par pata nahi inhone inka naam kyun nahi likha hua hai yahan par, thoda naam thoda sa galat hai yahan par, but this is good. You can see the size is bigger than my hand. Taking out the starfish. अरे अरे, तुम सब मारे हो स्टारफिश को. अरे अरे, यू कैन सी स्टारफिश का मुंह यहाँ होता है, अभी थोड़े और डूब भी आ जाए. ओ, यू कैन सी द टेंटिकल्स, छोटे छोटे, ये सक्शन के लिए होते हैं. द स्टारफिश इज ईटिंग. अभी देखो, छोटे छोटे पोर्स में चीज़ें हैं और वो गिर रही हैं. ये स्टारफिश का मुंह होता है, और जो हमें स्टारफिश दिखती है वो ऊपर से दिखती है. अरे और अरे अरे, हाँ हाँ, दैट्स वेरी नाइस. देयर आर लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर, बट ऑक्साना इज जस्ट ऑब्जर्विंग. उसकी हालत थोड़ी सी ख़राब है, उसके पेट में पैरासाइट्स हैं और वो उसने बहुत टाइम से नहीं खाया है. आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन द फिल्ट्रेशन, क्योंकि इनके भी पेट खाली हैं, वो सूखी भी है एकदम, बहुत बड़ा साइज है उसका, बट लुक स्ट्रेस्ड. अरे इट्स ओके, यू नो, आई डोंट नो. दिस इज अ स्नैपर फिशरमैन, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिशेस ऑफ द फिशरमैन. क्वाइट ह्यूज, दे आर एक्सेलेंट हंटर्स. ये इतने अच्छे से शिकार करती है ना. हाँ, लुक एट द आई मूवमेंट. मेरा हाथ, यू कैन सी मेरा हाथ, देखो कितना छोटा सा लग रहा है इसके सामने. और देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस एक्वेरियम ऑल्सो, दीज आर मोनो एंजल्स. ये आपको फ्रेश वाटर में भी दिखेंगी, है ना, और ये ऐसे ही तैरती रहती हैं. And they should have some कुछ अच्छा सा ना यहाँ पर, मतलब as in, you know, बीच में एक कुछ होना चाहिए ताकि उसके अराउंड घूम सकें, वरना ही अभी ऐसे ही स्ट्रेस में ही घूमे जा रही हैं. पर ठीक है, they are quite hardy fishes.
और दे हैव रिटन कोबरा लॉबस्टर एंड कोबरा लॉबस्टर इज देयर. मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि आई एम सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. पर इट्स ओके, दे आर गुड. मोनो एंजल्स, दे आर गुड. और इनसे हार्डी तो कुछ नहीं होता. दिस इज देयर बेस्ट मेंटेन्ड एक्वेरियम अभी इन चारों पांचों में से. ये ना हमेशा ऐसे ही रहती हैं, ऐसे ही स्टिल रहती हैं. और जैसे ही सामने कोई मछली आती है इनके मुंह के सामने, ये उसको ऐसे फप करके खा लेती हैं. इट लुक्स रियली गुड. द स्टार फिश इज दे आर ऑल्सो गैदर्ड. मतलब दे शुड हैव समथिंग इनसाइड नो, ताकि कुछ इनको मिल जाए करने के लिए बेचारों को. वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टार फिश जो कि लोग ढूंढते हैं, स्टार फिश पालने वाले. वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी क्यूट, वेरी क्यूट, वेरी क्यूट. आप ये के हो, डू वर्क हियर, डू वर्क. ऑल ऑफ योर फिश इज सिक. ऑल ऑफ द फिशेस आर पैरासाइट्स इन दिस. नॉट हैजंट ईटन. देखो इसकी हड्डियां बाहर आ रही है ना, और ये तो जिंदा भी नहीं रहने वाली है. और यू आर नॉट सपोज टू डू दैट ना. वो भूखी है, उसको खाना खिला दो थोड़ा. वो देखो वो स्टार फिश को खा जाएगी वरना. और स्टार फिश इतनी सेंसिटिव होती है, देखो उसको चोट, आप देख रहे हो उसको चोट ऊपर लगी हुई है ये सारी, क्योंकि वो मुंह मारे में. और अगर आप कुछ नहीं करोगे तो वो उसको भी मार देगी और भूखी वो मरी जाएगी. तो प्लीज़ डू समथिंग इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, प्लीज़ डू इट करेक्टली. एंड माई लवली नीमोज मैन. क्लाउन फिश, और ये हमेशा खेलती हुई दिखेंगी आपको. द बेस्ट थिंग अबाउट देम, हमेशा खेलते रहते हैं ये. आई सो लव दिस. मरीन एक्वेरियम मैंने कभी नहीं रखा और हमेशा से रखना चाहता हूँ मैं. तो एक दिन ज़रूर आएगा जब इतना टाइम होगा. There's a big lobster. मुझे लगा था ये lobster big है, पर they are huge. Hi. What are these lobsters? इनको क्या बोलते हैं? Oh, कितना ज़्यादा बड़ा है यार. It's looking amazing. They are looking amazing, man. They are amazing, amazing creatures. Big, big creatures. Where's Gaurav? यार तो कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं मतलब. और ये मास्टर अपने आप को साफ कर रहा है. क्या फनी लग रहा है. अरे कर ले यार शर्मा, क्यों गया? इनकी आंखें काफी वियर्ड सी होती हैं. ओए ओए, पर माय पॉइंट इज स्टिल कि दे शुड हैव समथिंग इनसाइड, ताकि उनको कुछ कहीं घुस सकें, क्योंकि इनको घुसना बहुत पसंद होता है. ये घुस के रहते हैं तो ये अभी बेचारे इसलिए आपस में ही घुस रहे हैं. एंड दे ही इज हैविंग लिटिल हॉर्न्स आल्सो. लुक एट द हॉर्न्स. कुछ ज़्यादा ही कलरफुल नहीं लग रहा है ये? सो कलरफुल, वेरी वेरी नाइस. एंड दीज आर द वंस आई केम हियर फॉर. द मोरेज. What is this called? कौन सा मोरे है ये? नहीं, मोरे ईल तो है. ये स्नोफ्लेक है या कोर? अच्छा, ओके. वेरी नाइस. इनको भी हाइडिंग स्पॉट्स चाहिए होते हैं बहुत ज़्यादा. सो दिस इज वन आई वुड कॉल दिस कि ये थोड़ा सा ओवर स्टॉक्ड एक्वेरियम है, क्योंकि यू नो दिस साइज ऑफ मोरे, मतलब यू कैन सी दिस इज अराउंड 3.5 feet. लुक एट हिम. नो, he is looking for a spot to hide, I can say that. और इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि इनके मुंह में सिर्फ एक बीच में दांत होता है,
और ये उससे अगर पकड़ लें तो इनको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. पर अमेजिंग फिशेस, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, आई लव देम. बहुत एक्सट्रीम हंटर्स होते हैं ये, एक्सट्रीम हंटर्स. आपको ये फ्रेश वाटर एक्वेरियम के आसपास भी मिल सकते हैं, पर हाँ फ्रेश वाटर एक्वेरियम फिश एज अ फिश भी यूज़ करते हैं, पर वो ब्रैकिश वाली होती है, वो ये नहीं होती. दिस इज एकदम डीप सी में रहने वाली मूवी. ओके आई लव देम, पर वही थोड़ी सी जगह. अरे अच्छा दिस इज अंडर मेंटेनेंस, पर अंडर मेंटेनेंस है तो उसमें कैटफिश क्या कर रही है. लुक एट दैट कैटफिश, आई डोंट नो अबाउट इट एज मच. पर अगर कोई फिश है तो उसको स्पॉट तो दे दो यार, कुछ छुपने के लिए, कहीं कुछ कर ले वो बेचारा. ओह इज दिस डॉग फिश. हाय वेरी क्यूट. असली लड़ाइयाँ हुई हुई हैं, चोटें लगी हुई हैं. आई होप इन्होंने मेडिसिन इसमें डाले हुए होंगे. फंगस हुआ हुआ है उसको, और उस पर ना पूरा उसके हाथों पे भी फंगस है. आई डोंट नो व्हाट दीज गाइज आर डूइंग यार. देर आर नो, अगेन माय कंसर्न वुड बी दैट. ओए एंड दीज आर ओवर स्टॉक्ड मार्बल शार्क्स, ओवर स्टॉक्ड, थोक के भाव में डाली हुई हैं यार. ऐसे क्यों कर रहे हैं यार ये लोग, दे आर सो अमेजिंग. आई यार दे ऑल आर इन स्ट्रेस मैन. हाँ क्योंकि वो आगे उनका होगा ना, बहुत तरीके की वो मार्बल शार्क्स होती हैं, बहुत तरीके की नर्व शार्क्स होती हैं. इनको नीचे की जगह बहुत बड़ी चाहिए होती है, क्योंकि ये सिर्फ नीचे नीचे तैरती हैं. और ये एज यू कैन सी इनका, इनके जॉज जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ये केकड़े वगैरह सिर्फ खाते हैं, क्रस्टेशियंस खाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स जिसे हम बोलते हैं. यार इनकी बुरी हालत हुई हुई है. आई एम श्योर दे आर वाइल्ड कॉट. देखो इफ यू गाइज आर वॉचिंग दिस, इफ यू आर नॉट, आई एम गोना सेंड यू दिस वीडियो. आई विल मेक श्योर ये आप तक फॉरवर्ड हो जाए, है ना. आप अगर ऐसे एक्वेरियम चलाने वाले हो तो प्लीज मत चलाना. मछलियों की हालत देखो, मतलब दे आर सो टेंस्ड. इसके अंदर ये सिर्फ चार होनी चाहिए, और देर आर ओवर 10 इनसाइड दिस, 9 इनसाइड दिस. आई एम श्योर 10 होंगी एक बेचारी, और ये आपस में फिर लड़ने लग जाएंगे. दे गोना गो मैन. आई होप यू डू गुड मैन. सो फाइनली कुछ स्टिंगरेज जो कि खुश हैं. यस बाय बाय. गुड अमाउंट ऑफ पीपल ओवर हियर. इसमें भी थोड़ा इन्फेक्शन ही है यार, क्या बहुत बड़ी है. अरे sharks. अच्छा तो यहाँ पर you can actually touch the fishes. अच्छा नहीं, okay, अच्छी बात है. I hope लोग टच ना करें. यहाँ पर एक ब्रैकिश वाटर मोरे ईल है, और ये भी हाँ. इनको बहुत सारी छुपने की जगहें चाहिए होती हैं, पर इनके पास कुछ चारा ही नहीं है, तो ये बेचारे मरने का वेट कर रही हैं यहाँ पर. ओए और देखो वो अंडे दे रही हैं. वो फीमेल अभी ले करेगी ऐसे, और उसके बाद ओ वो मेल भगा रहा है. हाँ वो उसके एरिया में आ गए ना. हाँ मेल फीमेल भगाएंगे उसको. अब वो मेल जाके उनको फर्टिलाइज करने की कोशिश करेगा, पर फर्टिलाइज कर नहीं सकता, उसके अंडों का कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ये खस्सी हैं सब. अरे अक्साना इज इन द एक्वेरियम. Sorry. Yes. Just be over there. What? She's feeding again. Just to show you. This one is feeding.
कौन सी फिशेज को व्हाट आर यू फीडिंग? ओह आई सी अर्चिन्स, सी अर्चिन्स, यस। लोग चलते चलते इन पे ना बीचेस पे ना इन पे पैर रख देते हैं और फिर आओ आओ करते रहते हैं। काफ़ी जगह है, काफ़ी ट्राइब्स इनको काफ़ी अच्छे से भी खाते हैं। You don't look good, Oxy. नहीं होता। ओए गारा रूफा। ओए वेरी नाइस। चलो लेट्स लेट्स गो। Who's gonna feed? Who's gonna feed? अरे वो वेट कर रहे हैं। अच्छा सांबर्टी। ये तो एक बार में पूरा मुर्गा खाती होगी। ये तो ज़्यादा ही बड़ी है। तो अगर आप इफ यू आर गोना हैव देम इन योर एक्वेरियम तो यू शुड सी दिस। ये इतना साइज हो जाता है इनका, चालू हो जाए। और यार आप कुछ बड़ा खिलाओ ना, वो तो उनके मुंह में भी नहीं आएगा सही से। ऐसा नहीं। अच्छा ऐसा नहीं है, वो पकड़ भी नहीं। हाँ ऐसा नहीं है। अरे डिफॉर्म्ड बेचारा, डिफॉर्म्ड। और दिस इज डिफॉर्म्ड बेचारा। अरे यार, अरे यार, इसको रखना होता है इतने पानी में। दिस इज नॉट सपोज टू बी इतना, बट आई डोंट नो यार, दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कैटफिशेस। अरे इसका मुंह क्यों ठुका हुआ है आगे से? अबे यार, इसने मार दिया होगा ना शीशे पे, बहुत ज़्यादा ही मारा है। दे कैन ऑल्सो ग्रो मोर देन दिस। पफर फिश, पफर, हे पफर। तो मुझे कुछ नहीं बोलना अब इसके बारे में, आप हालत देख ही सकते हो। आई लव दिस आबा आबा। दे आर एक्सलेंट हंटर्स अगेन एंड दे कैन एक्चुअली में यू नो दे कैन रियली अटैक योर फिंगर समटाइम्स, बट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग लुकिंग। Nice fish. I love this. Should we have one? What do you say? है ना? This is looking very यार, पर ये और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। Let's see, the मौकात होगी बड़े। And these are my bushers. These are my bushers. Dragon fish पता नहीं क्यों लिखा हुआ है इन्होंने इसको, पर these are, ये है डेलहेजी। डेलहेजी, यस, बहुत हार्ड डेल है। सेनेगल बाइशर्स, एक्वेरियम वाले लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा इनके बारे में। वेरी अमेजिंग, अच्छा साइज भी है, पर देयर इज नथिंग इनसाइड। टिंग बार फिश, ये टिंग बार, अच्छा ओके, टिन फॉइल बार्ब, दैट्स नॉट बार फिश, दैट्स बार्ब, दैट्स बार्ब, एल्बाइनो बार्ब। अकेला घूम रहा बेचारा। दे आर वेटिंग फॉर द फिश, क्योंकि इनको इतनी सी मैं डर गया यार, कहाँ से लाता ही उड़ती थी। दे आर इनको इतनी बड़ी फिश मिली है, छः, और इनका साइज है 5.5 फुट, 5.5 फुट। शी वॉज वेरी हैप्पी व्हेन शी टोल्ड मी कि ना, मतलब टोल्ड अस कि मैं खाना खिलाने वाली हूँ उसको। मुझे लगा कि शी इज़ गोना ब्रिंग बहुत सारी कुछ फिश या फिर सम फिर चिकन और समथिंग या कुछ मीट ऐसा कुछ उसके लिए, पर तो क्या ही। अगेन रेड टेल कैटफिशेस, रेड टेल कैटफिश, जॉइंट ह्यूमंगस साइज हो जाता है इनका। एक्सेलेंट एक्सेलेंट फिश। मेरे पास एक थी और वो मेरी आरवाना पे इतनी ज़्यादा हमला करती थी। दे आर अमेजिंग यार। और इन सब का पेट भी खाली। पता नहीं यार खाना क्यों नहीं दे रहे हो मछलियों में, तो कुछ वो ये जब खाना खा लेती है ना तो इनका पेट ऐसा मोटा सा हो जाता है। अगेन द एल्बाइनो गोरामीज, द जायंट एल्बाइनो गोरामीज।
are entering into something else. Okay, it's a gift shop. Chalo. And everything. मतलब fishes को fungus हुआ हुआ है ना, they are वहाँ पे आपने वो seahorse बेचारा एक घूम रहा है, उसके पीछे सारी fishes उसको मार रही हैं और वहाँ पर आधे से ज़्यादा आप मेरे को यहाँ पर 10 मछली दर गिनवा दो जो खुश हैं, जो healthy हैं, and I'll change my name. We are a researcher in this and we that's why we wanted to be. Please take care ना उनके बेचारे को. Do you guys want to see a mermaid? मेरे पीछे लॉबस्टर दिया है और दिस इज अ टैटूड मर्मेड. वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी हार्ड वर्क भैया. ये भी आपने बनाए? हाँ सब. ओह वेरी नाइस, दैट पफर इज अमेजिंग. That is amazing, man. Very nice work. Gaurav, you shouldn't disturb the fishes. Okay. Oh, lionfish ne haath pakad liya. So, wahan par do puffer fish aap dekh sakte ho. So, yes, ab main to car mein hi ghusunga apni. Yes, it was an experience, I would say. काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ नहीं थी खुश. मैंने अथॉरिटीज़ से बात करने की कोशिश की पर किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है यार. पर मैं अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊँगा, मैं इनको मेल करूँगा और देखता हूँ कि यार खुश रखो थोड़ा जानवरों को ना. पैसे थोड़े से और ले लो टिकट्स के लिए, पर दे आर ऑलरेडी गेटिंग सो मैनी पीपल ओवर हियर, तो दे आर मेकिंग गुड मनी. पर थोड़ा सा खुश रखो यार, मुश्किल से 10 मछलियाँ होंगी जो कि हेल्दी थी इतनी सारी फिशेज में से, तो प्लीज़. और बाकी सब तो इट्स ऑल गुड ओनली. चलते हैं अभी, टेक केयर. नील गाय श्री सिंह, नील गाय, नील गाय, आई विल शो यू द नील गाय. वो रही नील गाय. अबे वो नील गाय नहीं, वो पील गाय है. Anyways, everybody, we leave you. Okay, take care.